इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है, उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम द्वितीय तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के, इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है, तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य ये हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है।